ये कोई कहानी नहीं, एक किस्सा है। कुछ भरे हुए, कुछ खाली पन्नों की इस किताब से निकाला हुआ, जिसे आमतौर पर हम जिंदगी कहते हैं। 6 o'clock in the morning, मुंबई का वर्ली सी फेस। सूरज भले ही इस तरफ उगता नहीं, लेकिन सुबह सवेरे समंदर पर पड़ती ये रोशनी उसकी इस कमी को महसूस नहीं होने देती। मुंबई के सबसे फेवरेट जस्ट चिलिंग वाले हैंग आउट स्पेस वर्ली सी फेस को सुबह सुबह की रोशनी और भी खूबसूरत बना रही है। और इस नज़ारे को अपनी बाहें खोले एक लड़की पूरी तरह महसूस कर रही है, मानो जैसे सूरज को वेलकम कर रही हो अकेली, ऑल ऑन हर ओन। ये है इस किस्से की हीरोइन मायरा। वैसे यहाँ लोग अक्सर उजाला होने से पहले ही जॉगिंग करने पहुंच जाते हैं। इस जगह का जाम ही कुछ ऐसा है। ऐसा ही एक जॉगर यहाँ के चक्कर काट रहा होता है, तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है। ये है इस किस्से का हीरो अहान। अहान अब तक पूरे बेल्ट के तकरीबन 3 राउंड मार चुका है, और हर बार वो उस लड़की को यानी मायरा को वहीं उसी जगह देख कुछ हैरान सा है। अब तक अहान की क्यूरियोसिटी कुछ यूं बढ़ गई है कि वो पहुंच ही गया मायरा से उसका हाल जानने। चलें देखें आगे क्या होता है। Hi, good morning. Morning. All okay? Yeah. Sorry, you look sad. आप ठीक तो हैं? कोई ब्रेकअप प्रॉब्लम? ओके। कोई करियर टेंशन है तो बता दो। एनीवेज, टेक केयर। सॉरी। घर वाले तो कोई जबरदस्ती? सॉरी, आई एम जस्ट वेरी कंसर्न। आपको कोई तकलीफ है? आप बात करना चाहती हैं? आई कैन लिसन टू यू, आई कैन हेल्प यू। All right. Take care. अच्छा, you just may be feeling lonely, huh? आपके कोई दोस्त नहीं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, that's it, right? तो listen. You know what? पिछले 2 मिनट में तुमने हमारे सोसाइटी के आधे से ज्यादा स्टीरियोटिपिकल प्रॉब्लम्स गिना दिए। Well, thank God तुम कुछ बोले तो सही, बिकॉज आई थॉट यू वर सो डिप्रेस्ड कि किसी से बात ही नहीं करोगी, पता नहीं यहाँ क्या करने आई हो, तो दैट्स व्हाई। देयर यू गो,
एक और स्टीरियोटिपिकल सिनेरियो, मतलब इस सब के आगे हम सोच ही नहीं सकते, नहीं? एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? आई थॉट कि अगर एक जवान लड़की यहाँ पे पिछले सनसेट से लेकर अगले सनराइज तक अगर अकेली वर्ली सी फेस पे बैठी हो, तो मे बी देयर समथिंग रॉन्ग विद हर, दैट्स ऑल। क्यों? सनसेट या सनराइज कोई डांस क्लब है जहाँ सिंगल्स नॉट अलाउड, ओनली कपल पासेस अवेलेबल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई जस्ट फेल्ट कि बेसिकली एक लड़की और वो भी अकेली। यार क्या लड़की लड़की लगा रखा है? लड़की हूँ तो क्या मैं अकेले चीजों को एंजॉय नहीं कर सकती? Does being a girl take away my chance to explore the world on my own? अच्छा, feminist type हो? Maybe. What? क्या हुआ? तू हो कौन यार? What do you mean? और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ कल सनसेट के वक्त भी थी? बोलो बोलो, टेल टेल। वो एक्चुअली हम मैंने कल रात तुम्हें यहाँ बैठे हुए देखा, तो मुझे लगा मे बी एट फर्स्ट यू जस्ट कम टू सी द सी वेव्स एंड द सनसेट, दैट बेसिकली योर नेचर लवर। पर आज फिर तुम्हें देखा यहाँ पे अकेले बैठे हुए, तो मुझे लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, दैट्स व्हाई। वैसे अब तक तुमने जितने वाइल्ड गेसेस किए हैं उन सब में बस एक गेस सही किया है। अच्छा, वो क्या? आम अ नेचर लवर। हाँ, मुझे लगा। आई कैन जस्ट कीप लुकिंग एट दिस ह्यूज बेड ऑफ वाटर, दीज वेव्स एंड द साउंड दैट दे मेक। लुक एट दिस ब्रेथ टेकिंग व्यू। एक लार्जर देन लाइफ वाली फीलिंग आती है मुझे इस समंदर को देखकर। क्या कुछ नहीं छुपा होगा इसके गहराइयों में? इतने दूर होकर भी कितने पास लगते हैं ये सब। मेक्स यू फील सो पॉजिटिव, सो फुल ऑफ लाइफ। जब कुदरत की इतनी खूबसूरत पिक्चर तुम्हारे सामने चल रही हो, तो तुम अकेले या बोर कैसे हो सकते हो? सॉरी, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स लवली। मेरे ख्याल से लड़का हो या लड़की, हम सबको ना खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना अच्छा लगता है। वेल नॉट एग्जैक्टली, मतलब मुझे यहाँ पे अकेले बैठ के सूरज को घूरने का कोई शौक नहीं, टू बी फ्रैंक विद यू। क्यों डरते हो कि कहीं कोई तुम्हें तुम्हारे उस लिस्ट ऑफ स्टीरियोटिपिकल प्रॉब्लम्स के बेसिस पर जज ना कर लें? कहीं कोई तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में अकेले कॉफी पीते देख लोनर ना समझ बैठे? या आई मीन ऑब्वियसली, पता है ऐसे अकेले घूमने वालों को लोग लोनर ही समझते हैं। दे जस्ट थिंक यू आर कूल, दैट्स व्हाई। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, आई थिंक हम सबको ना जब भी मौका मिले खुद के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड कर लेना चाहिए। यू नो द मच नीडेड मी टाइम। भीड़ में रहकर भी हम भीड़ से दूर हो सकते हैं, अगर हम खुद को इन बेकार के स्टीरियोटाइप्स में ना बांधे तो। फिर चाहे लोग हमें लोनर ही क्यों ना समझ बैठे। वैसे कोई कभी एडमिट नहीं करता, बट देयर इज अ बिट ऑफ अ लोनर इन ऑल ऑफ अस, एंड देयर इज नथिंग डिप्रेसिंग अबाउट इट। अ हैप्पी लोनर हु एट सम पॉइंट डजंट रियली नीड एनी फ्रेंड्स, हु कैन डू विदाउट द क्राउड, जो खुद में खोना जानता हो। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि हम कभी अकेले होते हैं। वी आर नेवर अलोन। This is right. Last thing. पता है मेरी नानी भी ये कहती है। अच्छा? कि हम कभी अकेले नहीं होते, हमारे एंजल्स हमारे साथ होते हैं। एंजल्स? हाँ। नानी कहती थी। स्टीरियोटाइप्स की दुकान हो तुम। एंजल्स नहीं,
हमारे ख्याल होते हैं हमारे साथ। अच्छा। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये कुआं है, सोच का कुआं, ख्यालों का कुआं, जिसकी गहराई की कोई सीमा नहीं है। कुछ वक्त अपने ख्यालों के साथ बिता के देखो, क्या कुछ नहीं एक्सप्लोर कर लोगे तुम अकेले। अकेले? ओके। पता है मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो कैसा होता, तो ये कहती। बच्चन साहब, बहुत देर हो चुकी है, सूरज भी अपनी ड्यूटी पर लग गया है, अब हमें चलना चाहिए। लिसन। हाँ? नॉट बच्चन, आहान। मायरा। नाइस मायरा, ब्यूटीफुल गर्ल एंड ब्यूटीफुल नेम। सो मायरा, यू नो मैं आज रात को दिल्ली वापस जा रहा हूँ, और कल किसी कॉफी शॉप में जाके अकेले कॉफी जरूर पीऊंगा। और मैं सोच रहा था मेरी आज शाम की फ्लाइट से पहले अगर तुम फ्री हो, मे बी वी कैन हैव अ कॉफी टुगेदर। लगा ही था मुझे। What? ये आखिरी वाला स्टीरियोटाइप भी आजमा ही लोगे तुम। It's not like that. Genuinely. I have some other commitments. I have to go. Bye. ओके बाय। वैसे रात की खामोशी भी कुछ कहती है। भीड़ से दूर होकर कभी उसे भी सुन लेना। एयरपोर्ट चलिए प्लीज। रेडियो चालू कर दूं क्या? चला दे यार। हाय, दिस इज आरजे विशीवी एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो कैफे। अगली फरमाइश सीधा और रात की खामोशी भी कुछ कहती है। भीड़ से दूर होकर कभी उसे भी सुन लेना। मिली आरजे मायरा से हर रात 1 से 4 के बीच सिर्फ 107.1 FM सिटी पर। बेसिकली एक लड़की पिछले सनसेट से लेकर अगले सनराइज तक अगर अकेली वर्ली सी फेस पे बैठी हो तो मे बी देयर समथिंग रॉन्ग विद हर। पता है ऐसे अकेले घूमने वालों को लोग लोनर ही समझते हैं। बातें समझ आ गई। एक तो ये कि अकेले कॉफी पीने का मन करे तो पी लिया करो यार, और दूसरा ये कि हर अकेला दिखने वाला इंसान तन्हा नहीं होता।